हेलो स्टूडेंट्स, मैं कांता मंगवानी, क्लास 8 सोशल साइंस, चैप्टर 9 अवर इकोनॉमिक सिस्टम। ये इस चैप्टर के कंप्लीट सॉल्यूशन है। थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली, 5, 6, 7, 8 के बाकी हैं तो वो भी आ जाएंगे, आप वेट करिए। तब तक 9 चैप्टर आप नोट डाउन कर लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और वो बेल आइकन भी आप प्रेस कर दो। तो स्टार्ट करें। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी जो है वो काउंट की जाती है या इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ आंसर दे रखा है मैंने और अच्छे से, इस बार हैंड रिटन नहीं है, टाइप्ड है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नोट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन टेरिशरी और सर्विस सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर है, सेवा सेक्टर है, उसमें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो काउंट होती है या इंक्लूड की जाती है। तो आंसर यहाँ पे 3 लाइन में दे रखा है मैंने, तो आपको इसी तरह से कॉपी करना है। होप कि इस बार आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 3 है, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, सहकार सेक्टर जो है, उसके कुछ एग्जांपल देने हैं। तो यहाँ पे पूरा आंसर एज इट इज़ दे रखा है, तो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 4 है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो जो खेती का जो प्रोडक्शन है, क्रॉप्स वगैरह जो है, वो बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं। एक्चुअली ये बहुत लॉन्ग है, आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, जो अननेसेसरी सेंटेंसेस है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है आपको 6 स्लाइड में दिखेगा, यहाँ आपको पार्ट 1 दिखेगा 3 पॉइंट में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 4 जो है उसका ये लास्ट पार्ट है और यहाँ पे ये लार्ज स्केल जो वर्ड्स आ रहे हैं वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको जो अननेसेसरी सेंटेंस लग रहे हैं तो वो आप काट सकते हैं, और हो सकता है 5 मार्क्स में इतना पूछा भी नहीं जाता हो या 4 मार्क्स में इतना पूछा भी नहीं जाता हो, तो आप उस हिसाब से पॉइंट्स, जो इजी पॉइंट लर्न करके आप आंसर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लिखने का हो। नेक्स्ट और बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, विच ईयर ऑनवर्ड्स डिड इंडिया प्रमोट द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। जो उद्धारीकरण की जो नीति है वो इंडिया में कब से, किस ईयर से लागू हुई। तो आंसर इज 1991 है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है वो बताना है। तो बहुत इजी वे में आंसर्स लिखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो बियॉन्ड देयर बाउंड्री लाइन बिजनेस करती है या कुछ माल सामान बेचती है, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। क्वेश्चन आंसर जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे, और होप कि ये आपको इस बार का तो बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, बिकॉज इट इज़ नॉट ए हैंड रिटन, मेरे हाथ से नहीं लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है। तो देख लें आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 1 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में डिफरेंस बताना है, और ये जो है इसके 2 पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहे होंगे, बाकी का इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड 11th पे है। तो आप प्लीज़ वॉच करते रहिए, देखते रहिए, लिखते रहिए। ये क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 2 का, उसका बाकी का पार्ट है। यहाँ 3, 4, 5 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे और काफ़ी इजी वे में लिखे हुए हैं, होप कि आपको लर्न भी हो जाएंगे इजी से।
अगर आपको लर्न नहीं भी होते तो इसमें जो मेन मेन सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल ना देके मेन मेन सेंटेंसेस आप लर्न करेंगे तो भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ें। क्वेश्चन 2 का 2 है, व्हाई डिड गवर्नमेंट इंक्लाइन टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उसका झुकाव जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों हुआ। तो उसका ये आंसर पूरा दे रखा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिखते रहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है, स्टेट द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुए। नो डाउट बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स थे, बिकॉज 1991 के बाद जो पूरी इकोनॉमिक जो पॉलिसी न्यू स्टार्ट की गई उसका काफ़ी असर जो हमारे भारत के इकोनॉमी पे पड़ा, और काफ़ी जो है धंधे व्यवसाय बिजनेस जो हैं आगे बढ़ा, भारत की इकोनॉमी ऊपर आई, काफ़ी इफ़ेक्ट्स आए। तो आप वर्ड टू वर्ड लिख देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है, मैच द फॉलोइंग, मैच करने हैं, और आंसर्स आपको यहाँ नीचे एक अलग से बॉक्स दिखाई देगा, उसमें है 1 को 4 से, 2 को 3 से, 3 को 5 से, 4 को 1 से और 5 को 2 से मैच करना है। तो जैसे नंबर दिए आप नंबर भी लिख सकते हैं आमने सामने, या सामने सामने आंसर भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट की ओर बढ़े। क्वेश्चन 4 है, अब हमको क्लासिफाई करना है कुछ सेंटेंस से कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो स्कूल टीचर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, और एक फार्मर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, और थर्ड जो है डॉक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, एंड फोर्थ जो है वर्कर वर्किंग इन डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्टर के नीचे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, एंड फिफ्थ जो है वर्कर जो बिग फैक्ट्री में काम करता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। तो जैसे आपने क्वेश्चन तो लिख दिए होंगे, उसके नीचे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज आप लिखते रहना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 9 आवर इकोनॉमिक सिस्टम सॉल्यूशंस पूरे हुए, और होप कि आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया है, और लिखते रहेगा, 5th, 6th, 7th, 8th का भी आ जाएगा, प्लीज़ वेट एंड वॉच। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और वो जो बेल आइकन होती है उसे भी आप प्रेस कर दो। तो बाकी के 5, 6, 7, 8 के भी सॉल्यूशन के लिए वेट करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।